छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज का प्रांत अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन का भी प्रांत अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज पेंशनर समाज का 38वां वार्षिक अधिवेशन किए हैं, वृंदावन हॉल में किए कर रहे हैं, और वहाँ पर इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। और आज हमारे दो वरिष्ठ पेंशनरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। एक श्री तिलक राम सिन्हा और हैं पोखनलाल वर्मा, ये पाटन और छुरा के इकाई के अध्यक्ष हैं। इन लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनको, इन लोग पेंशनर समाज के अध्यक्ष हैं, छुरा के और पाटन के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उस संगठन को संभाला है। और इनके यहाँ 600-700 पेंशनर हैं हमारे। कितने लोग का अवार्ड दिया गया आज? पेंशनरों को 25 तो इकाई वालों को है, इकाई वालों से अलग सम्मान किए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ इकाई है प्रदेश में उनको सम्मानित किए हैं, और प्रदेश की इकाइयों में कार्यरत श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किए हैं। हमारे प्रांतीय इकाई में काम करने वाले हमारे 7-8 पेंशनरों का सम्मान किए हैं, और 80 वर्ष जो पार कर चुके हैं, आयु पार कर चुके हैं, ऐसे पेंशनर 30 पेंशनरों का हमने सम्मान किया है। आपकी अभी सरकार से डीए भत्ते की मांग है, अभी 22% मिल रहा है, तो क्या है मांग, क्या है? हम तो निवेदन कर चुके हैं, लिखित भेज चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमें 34% हमारे पेंशनों को दिया जाए, राहत पेंशन दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई हथियार नहीं है, हम लोग ना हड़ताल कर सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते, केवल मांग कर सकते हैं, और ये हमारा अधिकार है, नैतिक अधिकार है। हम लोगों ने 40-42 साल तक ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठापूर्वक काम किए हैं, तब जाके शासन की छवि सुधरी है और उत्कृष्ट हुई है। कौन से विभाग में थे आप? मैं वित्त विभाग में था, और अलग अलग फील्ड में। मैं चेतन भारती, प्रांत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज छत्तीसगढ़ रायपुर, और मैं तो एक साहित्यकार हूँ। आवन दे रौनिया धूंधरा टंदे, आवन दे रौनिया धूंधरा टंदे, जिंदगी के कहानी नवा गढ़ंदे, मत रुंदो सुनतो के द्वारिला, काली अवैया शुरू तुर घर मा। जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मिल सके तो कोई बात है, पार करते हुए मंजिल कहीं भटक न सके तो कोई बात है, अपने लिए जीते हुए भी किसी और के हो जाए तो कोई बात है, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मिल सके तो कोई बात है। आप हमारे TR महमल्ला जी प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया है, इनसे इंटरव्यू कर लीजिए। आप बताइए, संचालन किया तो आज में मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा ये था कि हम अपने पेंशनरों को सम्मानित करें, हम अपने पेंशनरों का उत्साह जागरण करें, और उन्हें पेंशनरों की सेवा में अनवरत लगे रहें, इनका हम उनको प्रोत्साहित किया, और सरकार से कुछ मांगे थी जिसके बारे में बतलाया लोगों को। आगे आंदोलन करेंगे, आगे आप आंदोलन करेंगे? नहीं, आंदोलन हम लोग लिखित में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जो शेष केंद्र के समान यानी कि महंगाई भत्ता 34% के लिए। और ये तो आज का कार्यक्रम, हमारे जो पेंशनर बंधु है, मतलब ये है प्रदेश की इकाई के पूरे, तो उसके कम से कम मिलन, और जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, श्रेष्ठ यानी कि इकाई है, और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर है, उन साथियों का साल श्री फल और प्रशस्ति पत्र मुंडित से सम्मानित किया गया है। मान लीजिए मांग पूरी नहीं होती है डीए की, तो क्या आप चाह रहे हैं? अब हमारे पास तो एक ही रास्ता है, आंदोलन, और समय समय पर हम उनको ज्ञापन देते रहते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हाँ, खाली धरना हमारे पास ही वही भर है। अब आज की स्थिति में हमारे पास ऐसा है, जैसे उम्र ज़्यादा हो गई है, जी जी, धरने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं, धरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस एक दिन दो दिन का धरना रहता है। हम अपने मांग लिखित में देते हैं। कितने लोग हैं आप लोग रायपुर शहर? एक अंदाज सब मिला के 5-6 हज़ार होंगे हमारे संगठन में। संगठन में सब मिला के 5-6 हज़ार हैं, 15 हज़ार से अधिक हैं। और क्या परिचय दिए? मैं चंद्रशेखर नायडू, वन विभाग से लेखापाल पद पर निवृत्त हुआ, सेवानिवृत्त हुआ।